Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. PSL की प्रमोशन के लिए हर जगह मार्केटिंग इवेंट्स हो रहे थे। ऐसा ही एक इवेंट अटेंड करने के लिए मैं ईशल को अरीना ले गई। वहाँ उन्होंने नेट से घेरकर एक पिच बनाई थी, जहाँ बॉलिंग मशीन से सबको तीन तीन बॉल्स खिला रहे थे। जब ईशु ने ये देखा तो वो बहुत खुश हुई और जाकर लाइन में खड़ी हो गई। मैं बस चुपचाप दूर से उसे और आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। जब उसकी बारी आई तो वो भागकर विकेट के पास गई। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। बॉलर ने भी जब उसे देखा तो मशीन की स्पीड बिल्कुल स्लो पर सेट कर दी। खैर, ईशु ने स्टांस लिया, बॉडी वेट, हील्स और टोज को अलाइन किया, घुटने हल्के से मोड़े फॉर अ स्प्रिंग लाइक मूवमेंट, बैक में हल्का सा आर्च और नज़र बिल्कुल स्ट्रेट। पहली बॉल फुल लेंथ। ईशु ने फ्रंट फुट आगे किया, कंधे झुकाए, बैट का फेस ग्राउंड की तरफ किया और बिना जोर लगाए बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया। शॉट खेलते ही अरीना का माहौल बदल सा गया। बॉलर ने मुस्कुराकर मशीन रीसेट किया और आसपास खड़े लोग थोड़ा और करीब आ गए और अगली बॉल का इंतज़ार करने लगे। अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। ईशु ने बैक फुट पीछे लिया और लगाया स्क्वायर कट। अचानक मुझे पीछे से आवाज़ आई, वाओ, देखो देखो वो बच्ची कैसे क्रिकेट खेल रही है। बस फिर क्या था, बॉल आती गई, ईशु शॉट पे शॉट खेलती गई और तालियों की गूंज बढ़ती रही। बैटिंग ख़त्म हुई तो उसे स्टेज के पास ले गए और PSL की डमी ट्रॉफी के साथ उसकी तस्वीर ली। लोग आगे बढ़ बढ़ कर उससे बात कर रहे थे, उसे दाद दे रहे थे। मैं अब भी दूर से भीड़ में बैट पकड़े खड़ी अपनी ईशु परी को देख रही थी। पता नहीं क्यों, मगर मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने बस अपनी आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, मेरी गुड़िया, मैंने तो मान लिया था, मगर तुम कभी मत मानना कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।